यस है एवरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करें सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं साइंस को कुछ पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे स्पेसिफिक एक पेपर आज हमने उठाया है जिसके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे एक बार से चेक कर लीजिए वॉइस ठीक है स्क्रीन अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है देन सेशन को स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है साइंस का कंप्लीट कोर्स अगर जितने भी स्टूडेंट साइंस के कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं जरूर से आप ऐप पर आइएगा ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स डायरेक्टली आप ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी ऐप पर और यदि कोई डाउट रहता है आप कर सकते हैं कोर्स में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है एक बार इन शॉर्ट आपको बता देते हैं इसमें आपको टेन फुल टेस्ट यहां पर दिए जाएंगे ठीक है जो भी आपका सब्जेक्ट है जैसे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट के हैं तो सीटेट के टेन टेस्ट पेपर्स अवेलेबल रहेंगे एमपी एमपी टेट टेट है तो टेट के रहेंगे इस तरीके से चैप्टर वाइज वीडियो इसमें रहेगी लाइव सेशन भी रहेंगे क्लास नोट्स रहेंगे की उसकी सीरीज भी भी रहेगी वन लाइनर रहेंगे ताकि एग्जाम टाइम पर आपको रिवाइज करने में आसानी हो ये सारा कंटेंट जो है इस कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री करके अलग अलग आपको चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएगी ओके ताकि आपको स्पेसिफाई रहे कि आपका केमिस्ट्री कितना क्लियर है फिजिक्स कितना क्लियर है बायो आपका कितना क्लियर है ओके चलिए स्टार्ट, yes, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 94 जो आपका कल का होमवर्क था इसका आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में आपको करने को बोला गया था कि आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है एक इक्वेशन अपन को दे रखी है, एक रासायनिक समीकरण अपन को यहाँ पर दे रखी है जिसमें बोला गया है कि जब MGO की HNO3 के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा तो आप देखो सबसे पहले तो MGO क्या है HNO3 क्या है एक अगर अम्ल और शार है तो क्या बनता है मतलब कुछ हिंट आपको मिल जाएगी है ना MGO जो है बेस है शार है HNO3 नाइट्रिक एसिड राइट ये अम्ल है जब एक क्षार एक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवन प्लस पानी बनता है तो इसमें लवन प्लस पानी आपको कहां पर दिखाई दे रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है है ना इसको एक उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पर बोला जाएगा क्योंकि एमजीओ एक बेस एक क्षार है एच नाइट्रिक एसिड एक, एक अम्ल है जब एक अम्ल और एक क्षार क्रिया करेगा तो एक लवन एमजी एनओ ट्वाइस जो की एक लवन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा और पानी यहां पर रिलीज होगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था और इसका आंसर है अपना, प्राप्त हो जाएगा इक्वेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ध्यान हो तो आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है निम्नलिखित में से कौन सा शार है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदासीन प्रवृत्ति का है तो अगर एम जी एनओथ्री ट्वाइस आपसे पूछे तो ये उदासीन होता है है ना अगर एच एन ओ थ्री पूछे तो ये एसिड है आपको पता ही है और एम क्या होता है शार यहां पर होता है ऐसे क्वेश्चन दो लास्ट क्लासेस में अपन ने कंप्लीट किए हैं ओके चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर एक पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन को देखिएगा आंसर करिएगा इसका आंसर क्या होगा यस ये होमवर्क क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं नाइनटी तक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ठीक है ऐसे ही करके अपन दो हजार ग्यारह तक के जो पेपर है वो सारे ही यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे सबसे पहले देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है को अपन को यहाँ पर फिल करना है ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है है ना ये आपको मैं बता दू क्लास एट का चैप्टर नंबर नाइन है साउंड करके ध्वनि करके उससे पूछा गया ये क्वेश्चन है क्या आंसर यहाँ पर होगा बताओ फटाफट बट से ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा विशिष्ट कंपमान यहाँ पर होता है वाइब्रेशन यहाँ पर होते हैं एक्स में जो ध्वनि उत्पन्न होती है तानित तारों के द्वारा स्ट्रिंग के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न होती है वाई में जो है झिल्ली के द्वारा उत्पन्न होती है है ना झिल्ली के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी उसके बाद इन्होंने पूछा है कि Z में जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो कंपमान भाग वायु स्तंभ के द्वारा उत्पन्न होती है एयर कॉलम्स के द्वारा उत्पन्न होती है तो आपको हिंट लग गई होगी एयर कॉलम्स किस में पाए जाते बांसुरी वगैरह में इनमें पाए जाते हैं शहनाई में पाए जाते हैं ठीक है तो सी के लिए या जेड के लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा शहनाई हो जाएगा तानी झिल्ली किस में पाई जाती है तबला ढोल वगैरह में तानी झिल्ली पाई जाती है गिटार हो गया सितार हो गया इकतारा हो गया इन सब में क्या होते हैं तानित तार होते हैं। तो अगर के लिए, या फिर इस तरीके के वायु स्तंभ के लिए तो शहनाई या बासुरी होता तो परफेक्टली फिट हो जाता ठीक है तो एक बार मैं आपको इसका डिटेल यहाँ पर दिखा देती हूँ एनसीआरटी क्लास नाइन्थ के अंदर जो क्वेश्चन था वन लाइनर है ना वन वर्ड वो कुछ इस तरीके के था है ना ये कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे तो ये इंडिकेट भी कर रखा है एनसीईआरटी की बुक का ही डायग्राम उठाया है ताकि आपको पता चले कि जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं एक तनी हुई सरिंग को कंपन करना यहाँ पर एक स्ट्रिंग होती है एक तार होता है तार के कंपन से क्या ध्वनि प्रोड्यूस होती है कौन सा यंत्र इस पर काम करता है तो गिटार इस पर काम करता है एक ट्यूब में बंद हवा को कंपन करके है ना आपको पता है ये बांसुरी इस कंसेप्ट पर कार्य करती है एक फैली हुई झिल्ली को कंपन की बात करें तो तबला और ड्रम इस कंसेप्ट कर कार्य करता है और धातु प्लेटों को कंपन करवाएं तो मंदिर में जो घंटियां होती है वो धातु प्लेट एक जब दूसरे से टकराती है तभी घंटी की ध्वनि आपको सुनाई देती है है ना तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक चीज और है आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है ना आज का गिफ्ट आप सभी के लिए बोल सकते हैं कि इसमें हमने थोड़ी सी डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है इसमें अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर तनी झिल्ली वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आंसर हो जाएगा ठीक है अगर ये आपसे ये पूछा जाए कि स्ट्रिंग है ना एक तरीके के तार से जो खिंचाव से जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो आपके ये वाले आंसर्स यहाँ पर हो जाएंगे अगर एयर कॉलम्स की बात करें तो ये आंसर हो जाएंगे तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें हर एक के बारे में बता रखा है एक है सितार है गिटार आप सभी के सामने है तबला हो गया शहनाई हो गया बाँसुरी हो गया है ना माउथ ऑर्गन्स हो गए तो ये सब क्या है एयर कॉलम्स के थ्रू कार्य करने वाले हैं है ना स्ट्रिंग के थ्रू कार्य करने वाले हैं तनी झिल्ली जो होती है उसके थ्रू कार्य करने वाले हैं ओके तो इसको आप लेकर आराम से एक एक नाम ध्यान से आप पढ़ लेना हम लोग अभी अगले क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पर मूव कर रहे हैं निम्नलिखित में से पौधे सूक्ष्म पोषक तत्वों के समुच्च जो कि कम मात्रा में आवश्यक होते हैं कौन से हैं तीन तत्व अपन को दे रखे हैं है ना अब जो पौधों को कम मात्रा में चाहिए होते हैं वो आपको बताना है आपको पता है ह्यूमन बॉडी में भी सेम चीज़ होती है हमारे शरीर में भी खनिज लवण पाए जाते है। जो हैं जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं और जो अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं सेम फॉर मिट्टी के लिए होते हैं मिट्टी में कम मात्रा में चाहने वाले और अधिक मात्रा में चाहने वाले ठीक है तो अभी किसके लिए पूछा गया है पौधों के लिए पूछा गया है कि पौधे सूक्ष्म पोषक तत्वों के समुच्चे कम मात्रा में और अधिक मात्रा में चाहने वाले अभी पूछा गया लघु मात्रा के लिए ठीक है स्मॉल क्वांटिटीज में जो चाहिए होंगे कम मात्रा में जो चाहिए होंगे वो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा चलो करो इसका आंसर पहला वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है मैं ये मानकर चल रही हूं इस इंफॉर्मेशन को आप सभी सेव कर लेना डी आंसर आ रहा है जिंक लोहा और मैग्नीज जो है कम मात्रा में चाहिए होंगे ओके okay, बिल्कुल सही है क्योंकि अगर मैं इसमें फोकस करूं तो ये दोनों ज्यादा मात्रा में चाहिए ये ज्यादा मात्रा में चाहिए फास्फोरस ज्यादा मात्रा में चाहिए है ना कुछ ऐसी चीजें जो देखने से ही पता चल रही हो, है और जो नॉर्मल ही अपन को बताए कि पौधों को जो होती है ज्यादा मात्रा में यहाँ पर चाहिए होती है लेकिन ये वाला जो पेयर है ऑप्शन नंबर डी वाला कि जिंक लोह और मैग्नीज ये पौधों को कम मात्रा में यहाँ पर चाहिए होते हैं तो डी आंसर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा स्क्रीन पर आपके सामने आप सभी के लिए डिटेल है ये माइक्रो न्यूट्रिशन जो कम मात्रा में चाहिए जिसमें आयरन मैग्नीस जिंक कॉपर मोलिबनियम बोरॉन क्लोरीन निकिल सोडियम और कॉबोल्ट आ जाएंगे और जो 0.5 ग्राम पर केजी से ज्यादा चाहिए प्लांट्स को उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकॉन दैट इज एन पी अगर आपको याद है है ना नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्लांट्स को चाहिए होते हैं तो आप ऑप्शन कट कर सकते थे ठीक है ठीक है तो आप साथ के साथ मेंशन कर देना हाँ माइक्रो मतलब कम मैक्रो मतलब ज्यादा ठीक है कथन और कारण आपके सामने है कथन और तर्क का जवाब आपको देना है रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं ठीक है थीके? क्यों क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन यहाँ पर करती है इसीलिए आपको तारे चंद्रमा और सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा एक्चुअल में होगा नहीं जाता हुआ आपको लगेगा ठीक है हाँ एनपी के चलिए अभी आपको ध्यान होगा जो अपना प्री वाला एग्जाम हुआ था उसमें कई सारे कथन कारण वाले क्वेश्चन थे तो मेक श्योर की आपकी इस प्रकार के क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन है हाँ ना कि आप इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप इजीली उनको कर पाए इसका आंसर करिए ए आंसर आ रहा है एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन जो होता है अपोजिट पश्चिम से पूर्व की ओर होता है इसीलिए चंद्रमा सूर्य और तारे जो है अपन को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जंग लगने के संबंध में बिल्कुल सही है Rusting of iron को लेकर कौन सा कथन बिल्कुल सही है yes, इसका A बिल्कुल correct है। इसका आंसर करिए 64 का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 64, जंग लगने के संबंध में यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है केमिकल रिएक्शन होती है यहां पर किसके बीच में आयरन और ऑक्सीजन के बीच में है ना यह एक उष्मा शेपी अभिक्रिया एक एक्सोथर्मिक एक प्रोसेस है जहाँ पर उष्मा निकलती है यह ये ये ताप रूम टेम्परेचर पर हो सकता है और ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है अगर लोहे पर जंग लगी है तो जंग से वापस से लोहा बन सकता है इसमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शंस यहाँ पर है है ना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है दो करेक्ट है तीन करेक्ट है वो आपको बताना है ऑप्शंस के लिए इधर देखें यहां पर एरो के सामने देखो कल ही अपन ने प्रोसेस देखी थी कि जब लोहे को अपन को ये करवाना होता है लोहा जब ठंडे पानी के साथ और गर्म पानी के साथ क्रिया नहीं करता लोहा किसके साथ क्रिया करता है भाप के साथ क्रिया करता है ठीक है तो भाप के साथ क्रिया करके और भाप को जब बहुत हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है मतलब बहुत स्ट्रांग वो होगी तो वापस से वो क्या कर लेती है लोहे का निर्माण कर लेती है पहले तो उसको पिघलाएगी और फिर उसी के साथ मिलकर क्या कर लेती है लोहे का निर्माण कर लेती है तो वो वाली जो प्रोसेस है वो रिवर्सेबल होती है लेकिन जंग का लगना ये रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं है ये वाला तो गलत हो गया मतलब पहला दूसरा और तीसरा ही यहाँ पर सही है है ना जंग लगना कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता आपने कभी देखा है क्या कि लोहे का कोई भी पदार्थ है, उस पर जंग लगी है और और, मतलब और रिएक्शन को जिस प्रकार की होती है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का निर्माण यहां पर करता है जिसको रस्ट के नाम से जाना जाता है ठीक है गलत पूछा था तो गलत केवल स्टेटमेंट डी है बाकी तीनों के तीनों यहां पर अपने करेक्ट है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है इसका आंसर करिएगा मैच दी कॉलम आपको मिलाना है और सारे ही फॉर्मूलाज रासायनिक नाम आप सभी को पता है हाँ अब इसमें मैच दी कॉलम है छ दे रखे हैं आपको छः कॉलम्स यहाँ पर दे रखे हैं और बताना है किसका करेक्ट है देखो जरूरी नहीं कि एकदम से आपको सारी चीज़ें याद आ जाए जो आपको याद है उसका कोड आप सेलेक्ट कर लें मैं ये मानकर चल रही हूँ कि जो आप डेली प्रतिदिन यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा अगर आप इस प्रकार के फूड खाते हैं है ना जिसमें बेकिंग सोडा डलता है तो आपको इसका नाम पता होगा इसका फॉर्मूला भी पता होगा और अगर आपको सादा नमक पता है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं कोई भी एक से दो पहचान लो है ना और आप इसका आंसर कर दीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है डी आ रहा है इसका या ए आ रहा है हाँ ए बी सी उसका करेक्ट है ठीक है आप उसका आंसर कर रहे हैं सही है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा सिक्सटी फाइव बुझे हुए चूने को क्या कहा जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट ये तो पता है ना कि कैल्शियम आएगा हाइड्रोक्साइड आएगा या कार्बोनेट आएगा ये आप सिलेक्ट करिए सादा नमक का सूत्र क्या होगा सोडियम क्लोराइड है ना मतलब मुझे ये पता चल गया कि बी का कोड मेरा छ है बी का कोड छ तो यहाँ पर लिखा हुआ है और एक यहां पर लिखा हुआ है मतलब ये तो श्योर शॉर्ट है कि आंसर या तो एक होगा या फिर तीन होगा इन दोनों में से एक ही होगा क्योंकि यहाँ पर पांच लिखा हुआ और यहाँ पर दो लिखा हुआ है थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ अगर आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर

ओके okay, उसके बाद अपना बच रहा है सादा नमक अभी आपने किया ही है एन एस सी एल यहाँ पर हो गया चूना पत्थर आपको पता ही है चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट सी ए यहाँ पर हो जाएगा कास्टिक सोडा वही चीज अपनी हो गई है ना कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पर हो गया बिना बुझा हुआ चूना जो है क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा सी ए यहाँ पर हो जाएगा और बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट यहाँ पर हो जाएगा ठीक है और ऐसे किसी का भी अगर ये तो सिर्फ नाम पूछा अगर फॉर्मूला पूछ ले तो भी आप बता देंगे सोडियम कार्बोनेट एन ए पूछा हुआ सुना सी ए ओ एच हो जाएगा ठीक है जिसका भी पूछे आपको बता देना है सोडियम क्लोराइड एन हो जाएगा धावन सोड़ा एन ए टू सी ओ थ्री टेन एच टू ओ यहाँ पर हो जाएगा जिसका पूछे उसका आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए ठीक है इसीलिए हमने पहले 2500 क्वेश्चन सीरीज पर बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली हर टाइप के, के केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सबके क्वेश्चन कर लिए और अब धीरे धीरे अपन पेपर्स उठाएंगे ओके okay, इसमें से एक सही कथन को आपको आइडेंटिफाई करना है ये आपके ऑप्शन है ऑप्शन यहाँ पर इंग्लिश के जस्ट बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है है ना करेक्ट स्टेटमेंट को आप आइडेंटिफाई करेंगे ये ऑप्शंस देखिएगा ऑप्शन है स्टेटमेंट क्या बोल रहा है तथ्य एक प्रकार का अवलोकन है जिसे समयों पर ही बार सही पाया गया है अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर दी टाइम तथ्य एक प्रकार का अवलोकन है जो हमेशा सही होगा जिसको बार बार सही पाया गया तब भी उसको फैक्ट नाम दिया गया है दूसरा क्या बोल रहा है नियम या लो एक प्रकार की थ्योरी है एक प्रकार का सिद्धांत है जिसे समयों पर ही सही पाया गया है अब आप खुद सोचो कि दो चीज़ें अगर तथ्य और नियम दोनों की डेफिनेशन एक है तो तथ्य को नियम और नियम को तथ्य क्यों नहीं बोल देते ये दोनों अपने आप में अलग अलग है राइट तो अब इन दोनों में से एक ही करेक्ट होगा मतलब अगर मैं ऑप्शन के ऊपर फोकस करूँ तो या तो केवल ये करेक्ट होगा या फिर केवल बी करेक्ट होगा यानी कि यहां से पता चल गया कि या तो ए आंसर ठीक होगा या फिर सी आंसर ठीक होगा अब वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं तथ्य एक अवलोकन है जिसे बारम्बार सही पाया गया बिल्कुल सही बात है ठीक है कि हाँ ये जब भी हम लोग इस पर रिसर्च करेंगे ये चीज हमको क्या मिलेगी हमेशा सही मिलेगी जब भी आप फैक्ट के बारे में बात करेंगे जैसे कि कोई भी एक फैक्ट आप यहाँ पर ले लो कोई भी एक प्रोसेस ले लो आयरन की जंग लगने की प्रोसेस आप ले लो जब उसको खुली हवा में नमी के साथ छोड़ा जाएगा तो डेफिनेटली उस पर जंग लगेगी ये फैक्ट है कोई भी प्रकार का लोहा हो ये फैक्ट है तो ये हमेशा जब भी आप इसके साथ करेंगे इसके साथ कार्य करेंगे हमेशा आपको वही जवाब मिलेगा है ना तो जिसको समयों पर ही बारम बार सही पाया गया है ये बात सही हो गई अब यहाँ पर नियम के लिए ये चीज गलत है नियम एक लॉजिकल रिलेशन होता है एक तार्किक संबंध होता है जो कई सारे फैक्ट को मिलाकर कई सारे फैक्ट को मिलाकर बनाया जाता है बहुत सारे फैक्ट हमने देखे है ना कि नमी के साथ पानी के साथ लोहा जो है क्रिया करेगा तो जंग लग जाएगी रस्ट लग जाएगी बहुत सारे फैक्ट को मिलाकर एक नियम यहाँ पर बनाया गया है ठीक है तो इसके लिए समयों पर ही बारम सही पाया गया ये गलत हो जाएगा केवल स्टेटमेंट वन यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है कुछ स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और आपको ये ऑप्शन देखने ऑप्शन ये रहे आपको बताना है कि कौन सी चीज कथन है और कौन सी चीज यहाँ पर अनुमान है ठीक है ऑब्जर्वेशन और एनफ्रेंस के बीच में यहाँ पर पूछा गया है इस क्वेश्चन को पढ़िए है ना हिंदी में यहाँ पर देख लीजिएगा और ये इसके ऑप्शन है वन टू थ्री फोर जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युत दर्शी के निकट लाया जाता है हम लोगों ने क्या करा है एक ऋणावेश रूप से एक रोड यहाँ पर ली है और हम लोग क्या कर रहे हैं इसको एक बार विद्युत दर्शी के निकट लेकर आए हैं ठीक है तो क्या अपन को देखने को मिलेगा ठीक है सबसे पहले विद्युत दर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर हो जाएगी ओके ये अपन ने देखा है ना दूर हो जाएगी उसके बाद दोनों विद्युत दर्शी पत्तियां समान आवेश को अर्जित करेगी क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज होगा और ऋणात्मक आवेशों के विद्युत दर्शी पर हस्तानांतरित किया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर दूर, दूर यहां पर चली जाएगी क्वेश्चन समझ में आया अपन को ये सारी चीजें तो सही है है ना, ना ये तीनों पॉइंट तो सही दिख रहे हैं तो बताना क्या है बताना ये है कि कौन सा कथन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है और कौन सा उसका अनुमान है ठीक है इन्फेरेंस मतलब आपने इससे अनुमान निकाला तो देखो जो चीज आपने देखी होगी जो चीज़ आपको विजिबल होगी जो चीज आपको आपके सामने दिखाई दे रही होगी वो आपने देखी वो चीज आपके लिए क्या हो गई ऑब्जर्वेशन हो गई आपने क्या बोला हमने ऑब्जर्वेशन किया मतलब आपने खुद से अपनी आंखों से उस चीज को होते हुए देखा वो चीज़ क्या कहलाती है ऑब्जर्वेशन कहलाती है और अनुमान क्या होता है आपने अंदाजा लगाया कि शायद इसके अंदर ये चीज यहाँ पर हुई होगी ठीक है तो पहली चीज पढ़ते हैं विद्युत दर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर दूर जाएगी सबसे पहले तो ये चीज समझ में आई या नहीं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमने एक रोड ली जिस पर नेगेटिव चार्ज है पूरी रोड पर क्या है नेगेटिव चार्ज है जब हम लोग एक अनावेश जिसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है विद्युत दर्शी के पास लेकर आए तो ये क्या करेगी इसको भी सेम चार्ज यहाँ पर दे देगी राइट right. तो अब इसमें विद्युत दर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर दूर जाएगी इस ऋणावेशित की वजह से विद्युत दर्शी भी ऋणावेशित हो गया तो आपने रियल में क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है प्रतिकर्षित कर रही है तो ये चीज आपकी क्या हो गई ऑब्जर्वेशन हो गई जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा वो आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई अब आपको ऐसे चार्ज एक दूसरे पर ट्रांसफर होते तो दिखे नहीं आपने अंदाजा लगाया कि दोनों विद्युत दर्शियों पर अब सेम चार्ज हो गए होंगे तब भी तो एक दूसरे से ये प्रतिकर्षित हुई तो ये आपका अनुमान था ये आपका एनफरेंस था क्या हुआ होगा ऋणामेश ऋणात्मक आवेशों को विद्युत दर्शी पर स्थानांतरित किया गया मतलब इस रोड से जितना भी चार्ज था वो किस पर चला गया विद्युत दर्शी के ऊपर चला गया जिसके रिजल्ट पर इसकी पत्तियां एक दूसरे से प्रतिकर्षित तो हुई मतलब आपने ये चीज देखी अपनी आंखों से और आपने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि दोनों पर सेम चार्ज चला गया हो और दोनों जब इस पर स्थानांतरित तो हुई होगी तभी एक दूसरे को क्या कर रही होगी रिपेल कर रही होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए वाला ऑब्जर्वेशन है और बी और सी उसके क्या है इंफ्लेंस है ठीक है तो ए आंसर अपना करेक्ट हो गया क्या ये क्वेश्चन समझ में आया ये क्वेश्चन अब आपसे मैथ्स में भी पूछे जाने लगे ठीक है मैथ्स में भी अब सेम टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जब आप लॉजिकल रीजनिंग करते हैं ना उसमें आते हैं ये वाले क्वेश्चन कि कौन सा कथन है और कौन सा उसका अनुमान है जो बस आप एक बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि जो चीज दिखाई दे रही है वो ऑब्जर्वेशन है जो खुद आप, आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और उसके पीछे अगर आप साइंस के लॉजिक्स ढूंढ रहे हैं कि इसमें साइंस का कौन सा लॉजिक लग रहा है तो वो आपके सारे अनुमान होंगे ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैसे अम्लीय वर्षा के लिए एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आपके ऑप्शन है ये चार ऑप्शन आपके सामने है इसका जवाब आप सभी को देना है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस यहाँ पर कौन सी है यस एक बार लिंक को सभी शेयर कर दीजिए आज मैंने लिंक शेयर नहीं करी थी देखो नहीं आया समझ में इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट का अपन को सिर्फ इतना सा देखना है कि मुझे कोई चीज़ दिखाई दे रही है मतलब मुझे वर्षा होती हुई दिखाई दे रही है ठीक है तो मैं क्या बोलूंगी ये मेरी ऑब्जर्वेशन है ये मैंने देखा है कि यहाँ पर वर्षा हो रही है ठीक है अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं यार ये तो एसिड रेन है है ना इससे ना जैसे ये स्किन पर पानी गिर रहा है तो क्या हो रहा है स्किन पर छाले हो रहे हैं स्किन पर रैशेज खुजली यहाँ पर हो रही है तो ये मैंने अनुमान लगाया कि कहीं ये एसिड रेन तो नहीं है तो वो मेरा अनुमान हो गया तो पहला वाला ऑब्जर्वेशन और मेरी स्किन पर रेशेस

हर टाइप के पेपर के आप ऐसी प्रैक्टिस कर लो कि यू पी टेट सी टेट एम पी टेट जी टेट कोई भी एग्जाम आप यहाँ पर दें हर पेपर के आपको साइंस के क्वेश्चन आते हो ठीक है साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपको सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं करना है जो किसी एग्जाम में पूछा गया और आपको नहीं पता हो प्ले लिस्ट बनी हुई है साइंस के पच्चीसों क्वेश्चन की प्ले बनी हुई है उसे आप ज़रूर से विजिट करिएगा अभी फर्स्ट टॉप पर ही वो दिख रही होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी उसी के वीडियोज़ देखे जा रहे हैं ठीक है इसमें हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस समझते हो कि किसी भी चीज को लेकर हमने परिकल्पना करी हमने ऐसा सोचा कि ये चीज हो रही है तो इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है? है ना वो चीज होती है इसमें बोला है कि खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना ये हाइपोथेसिस की एक स्टेप होती है कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना है कि आखिर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग करना ठीक है ये वाली चीज हाइपोथेसिस का हिस्सा नहीं होती और किसी प्रयोग के लिए चरों को पहचान करना वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना ये भी हमारे हाइपोथेसिस के अंदर आता है लेकिन ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करके सूचना एकत्र करना ये चीज हाइपोथिस स्किल के अंदर नहीं आती है दैट्स स्वाइस इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है ठीक है यस yes, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना गया है कि सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करना ये हाइपोथेसिस स्किल का स्टेप नहीं है चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी की सही कथन को आपको आइडेंटिफाई करना है सामान्यतः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और सामान्यतः अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है आपको ध्यान होगा साइंस 2500 क्वेश्चन सीरीज का जो 54 नंबर का सेशन था अपना उसमें हमने धातुओं के साथ ये वाला क्वेश्चन किया था कि धातुएं जो है जल के साथ और धातुएं अम्ल के साथ आज जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वो क्या था अधातुओं के लिए था हाँ सेशन के लास्ट में मैं आप सभी को शेयर कर दूंगी एक बार लिंक उसकी ओके अभी अपन क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेते हैं पच्चीस क्वेश्चन की सीरीज के लिंक मिल जाएगी आपको इसका आंसर करो इसमें क्या पूछा गया है अपन से करेक्ट स्टेटमेंट देखो हाईलाइट भी किया हुआ है अपन को क्या करना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सी आंसर आ रहा है दोनों चीजें करेक्ट है कि सामान्यतः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ये एच को यहाँ पर तोड़ नहीं पाती है और ना ही ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है तो इस टाइप के चार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं एक तो जल के साथ अभिक्रिया वाला एक अम्ल के साथ अभिक्रिया वाला एक यहाँ पर धातुओं के साथ वाला ठीक है मैं आपको चार टाइप यहाँ पर बता देती हूँ तो देखो करेक्ट आंसर तो हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ओके अब सबसे पहला फैक्ट आप देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट कि ये पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ये चीज़ हमको पता है अधातुएं क्या करती इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ग्रहण करती है इसलिए ये कभी भी पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करना दैट मीन्स खुद के ऊपर क्या ले लेना नेगेटिव चार्ज ले लेना तो अधातुएं क्या होती है विद्युत ऋणात्मक होती है वे पानी में एच और ओ के बीच का जो बंध है एच टू ओ जो पानी है इसके बीच के जो बॉन्ड है उसको नहीं तोड़ सकती है अधातु इलेक्ट्रॉन न दान करने में हाइड्रोजन को कम करने में समर्थ होती है इलेक्ट्रॉन को ये दान नहीं कर पाएगी क्योंकि खुद ग्रहण कर रही है तो इलेक्ट्रॉन को कैसे डोनेट करेगी इसीलिए ये जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती इन केस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्यों ये जल के साथ या पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है तो रीज़न आपके पास क्लियर होना चाहिए कि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है इलेक्ट्रॉन स्वीकार करती है तो ये एच और ओ के बीच का जो बॉन्ड है उसको नहीं तोड़ पाएगी ठीक है दूसरी ओर जो गेड़ धातु के वो जो ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके क्या करते हैं ऑक्साइड्स बनाते हैं तो ये भी अपने आप में एक फैक्ट है इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि गेर्द धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके क्या करते हैं एसिड्स बनाते हैं दूसरा ये हवा से प्रतिक्रिया करती है अ धातुएँ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अम्लीय या फिर उदासीन ऑक्साइड्स को यहाँ पर निर्मित करती है और जो गेर्द धातुएं होती है अम्लीय ऑक्साइड बनाकर पानी में घुल जाती है तो ये दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि ये हवा के साथ प्रतिक्रिया करती है पानी के साथ नहीं करती और ना ही एसिड के साथ करती है तीसरा वाला देखिए कि एसिड के साथ प्रतिक्रिया करना असत्य कथन है दैट मीन्स कि ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी जब कोई पदार्थ अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो H+ आयन देता है है ना और हमारी अधातुएं क्या करेगी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है दैट्स वाई ये एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाएगी प्रहार करने पर ये बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि अधातुओं में ध्वनिक गुण यहाँ पर नहीं पाया जाता है ठीक है ये किसकी प्रॉपर्टी है ये धातुओं की प्रॉपर्टी है तो फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लेते ये चार चीजें अपन ने यहाँ पर सीखी है सबसे पहला कि ये पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है ठीक है दूसरा ये हवा के साथ प्रतिक्रिया करती है तीसरा स्टेटमेंट कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है और फोर्थ स्टेटमेंट की अधातुएं ध्वनिक गुण उत्पन्न नहीं करती है ठीक है तो क्वेश्चन में ये पूछा था सही कथन क्या है ना जल के साथ प्रतिक्रिया करेगी ना एसिड के साथ प्रतिक्रिया करेगी ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा हाँ कल से आपका एफ एस क्लासेज भी स्टार्ट हो रही है सुबह छः बजे फीमेल क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है फीमेल सुपरवाइजर की ठीक है उसका भी हम लोग ये जो अपना थाउजेंड क्वेश्चन सीरीज़ है इसको स्टार्ट करने वाले तो जितने भी स्टूडेंट फीमेल सुपरवाइजर वाले हैं कल से आप सेशन फिर से ज्वाइन कर सकते हैं ओके चलिए एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया है वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है एक बोल को ऊपर फेंका गया है वो वापस से नीचे आ जाता है तो कौन सी राशियाँ यहाँ पर समान रहेगी कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पर समान रहेगी त्वरण समान रहेगा गुरुत्व का बल जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो समान रहेगा विस्थापन समान रहेगा या फिर कार्य समान रहेगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर करिए त्वरण समान रहेगा बिल्कुल सही बात है त्वरण बॉल को ऊपर फेंकेंगे नीचे फेंकेंगे वैल्यू तो अपन सेम ही रखेंगे नाइन पॉइंट एट ही रखेंगे और अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो टेन अपन रख लेंगे राइट बाकी जो गुरुत्व का बल है ये दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल है ये कभी भी सिमिलर नहीं होगा ये डिपेंड करेगा दो वस्तुओं के ऊपर और अभी हमसे बॉल की बात करी गई है विस्थापन भी अलग अलग होगा और साथ ही गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य जो है वो भी अलग अलग होगा कार्य मतलब एक तरीके से वो एनर्जी की बात कर रहा है गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा की बात कर रहा है वो भी यहाँ पर डिफरेंट होगी जब बॉल ऊपर जाएगी कुछ सेकंड के लिए विराम अवस्था में होगी और वापस से नीचे आएगी तो कार्य भी डिफरेंट होगा केवल एक्सेलरेशन ही एक ऐसी चीज है जो ऊपर जाते समय और नीचे आते समय सिमिलर रहेगी गुरुत्व का बल डिफरेंट विस्थापन डिफरेंट गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य डिफरेंट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसमें बहुत सारी बार ऑप्शन में के भी दिया हुआ रहता है यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी दिया हुआ रहता है इस तरीके से दिए हुए रहते हैं तो सारी चीजें इसमें डिफरेंट होती है अगला क्वेश्चन देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एक पिंड का रेखिक संवेग p और द्रव्यमान m है इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर कितनी होगी हाँ वेग में भी परिवर्तन होगा डेफिनेटली स्पीड में भी परिवर्तन होगा कोई कंफ्यूजन है क्या क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन में अगर है तो अभी पूछ लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लॉजिकल अपन बोल सकते हैं और बार बार पूछा जाता है ऑप्शंस चेंज कर करके ठीक है अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप देखिए कि अगर आप बोल को ऊपर फेंकते हैं तो जो भी इक्वेशन आप यहां पर लगाते हैं तो ए को आप क्या कंसीडर करते हैं जी ही कंसीडर करते हैं मतलब त्वरण अपना वही ग्रेविटी वाला हो जाएगा तो त्वरण जो है ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा राइट चलिए आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि हमेशा मिस्टेक होती है तो आपको क्या करना है जब आप फॉर्मूला लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर का तो हमेशा इसमें एम का ऊपर गुणा करेंगे और एम का नीचे करेंगे तभी आपका आंसर आएगा ठीक है इसमें दो आंसर बन सकते हैं लेकिन हमेशा आपको इस वाले कंसेप्ट का यूज़ करना है तभी आपको सही आंसर मिलेगा संवेग की वैल्यू क्या हो जाएगी एम वी यहाँ पर हो जाएगी तो इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे क्या बचा हुआ है एम बचा हुआ है अब ये एम वी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको यहाँ पर नीचे क्या बचा हुआ है एम बचा हुआ है तो ये हाफ तो ऐसा कैसा ही रह जाएगा नीचे एम ऐसे रहेगा एम वी किसकी वैल्यू है पी की वैल्यू है तो पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम आप हमेशा रखेंगे ठीक है इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट आपको यूज नहीं करना है ना इस वैल्यू को आप इसके अंदर ले जाकर पुट करेंगे है ना हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को नहीं तो आंसर नहीं आएगा ठीक है ये हमेशा एक बार मिस्टेक होती है तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो पी स्क्र डिवाइड बाई टू एमसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित करवाने के लिए कौन सी युक्ति यहाँ पर उपरयुक्त रहेगी साइंस पैडागोजी का अगर आप अलग से बैच लेना चाहते हैं तो उसका भी अलग से बैच अवेलेबल है ठीक है अगर आप सिर्फ साइंस पैडागोजी के को थ्योरी वे में पढ़ना चाहते हैं तो इसका आंसर करिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप बच्चे को रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं है ना तो कौन सी युक्ति उपरयुक्त यहाँ पर रहेगी सबसे पहले संयोजकता इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप में लिखना रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करना उन रासायनिक अभिक्रिया पर चर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने जीवन में प्रयोग किया तो हमेशा हम लोग रियल लाइफ की बात करते हैं रियल लाइफ वाला ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर डी है कि जहां पर बच्चों ने होते हुए देखा है इस चीज को जस्ट लाइक की लंच बॉक्स लेकर आए सब्जी जो है आ, ड्रेस पर ढुल गई पीला पीला निशान यहां पर बन गया है ना वहां पर आप उस बच्चे को एसिड बेस रिएक्शन सिखा सकते हैं कि जब तुम इस पर साबुन लगाओगे कपड़े धोने का का तो तो रेड कलर का हो जाएगा है तो, ना जो रियल लाइफ से कनेक्टेड है उसके थ्रू आप बच्चे को रासायनिक अभिक्रिया यहां पर सिखा सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी को देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन में होता है बाह्य निषेचन की प्रोसेस किसके अंदर होती है करिए इसका आंसर करिए बायोनिशेचन की प्रोसेस किसके अंदर होती है अब देखो इसमें एक ट्रिक है कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पर होता है राइट अब जो एक्सटर्नल होता है उसको एक ऐसा इन्वामेंट चाहिएगा जो आसानी से बाहर का जो माहौल एक्सटर्नल मतलब कि बाहर यहाँ पर निशेचन की प्रोसेस हो रही है तो एक ऐसा माहौल हो जहाँ तक वो जो एग है वो अच्छे से यहाँ पर फर्टिलाइज हो पाए तो वो प्रोसेस केवल और केवल पानी के अंदर हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से ठीक है तो इसमें से जो जीव पानी के अंदर रहता होगा वो इजीली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर पाएगा ठीक है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेढक पानी के अंदर रह सकता है मछली और स्टारफिश ये तीनों ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहां पर करते हैं एक और कंफ्यूजन आता है कि ह्यूमन में भी आजकल जो आईवीएफ टेक्निक होती है उसके थ्रू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है वो एक मैनमेड प्रोसेस है जहां पर कृत्रिम तरीके से गर्भाधान करवाया जाता है ठीक है तो अभी अगर हम लोग इसकी बात करें तो केवल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है ठीक है क्लियर है ये वाली चीज इसमें कोई डाउट तो नहीं है फैक्ट देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं और इसके फायदे भी होते हैं ड्रॉबैक्स तो ये कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन बहुत आसानी से हो क्योंकि दूसरे जीव जो है उसको खत्म कर देते हैं उनके अंडे को यहाँ पर खत्म कर देते और तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आनुवंशिकता देखने को यहाँ पर मिलती है अलग अलग जीवों में अलग अलग वेराइटीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है है ना ये इसके एक मेन नुकसान और एक फायदा है अगला क्वेश्चन देखिए मैच दी कॉलम टाइप का ये क्वेश्चन है है ना ये कुछ मैच दी कॉलम दे रखा है लेकिन एग्जाम में अपन को इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है क्वेश्चन को देखना है यह उचित सिद्ध करने के लिए कि ये मैच दी कॉलम सही है है ना यहाँ पर कुछ इस तरीके से सामग्री दी गई है कि बल्कि का ही कुछ होगी लोहे का चिन्ह क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं एग्ज़ाम में मैच दी कॉलम दे रही हूँ है ना तो मैच दी कॉलम देने के पीछे का कंसेप्ट क्या होगा कि बच्चों को हर चीज की जानकारी हो उसमें से एक फैक्ट जो नहीं दिया जाएगा वो आपको यहां पर बताना है हाँ बिल्कुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सही बताया आपने हाँ ये कंफ्यूजन होते हैं तो जो भी कंफ्यूजन वाले पॉइंट है मैं साथ के साथ आपको यहां पर मेंशन कर रही हूँ ताकि कोई डाउट नहीं हो ठीक है चलो अब यहाँ पर अपन को सिर्फ नेगेटिव बताना है, या आंसर मत ढूंढने लग जाना क्योंकि एग्जाम में यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं जैसे ही मैच दी कॉलम दिखा तो हम लोग फटाफट से बनाना स्टार्ट करते थे बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े तो इस चीज़ को ध्यान रखना ये पेडागोजी का क्वेश्चन है इसने बोला कि एक नेगेटिव रीजन दे दो जो इससे कनेक्ट नहीं कर रहा है कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में दो युक्तियां दी गई है है ना कॉलम ए और कॉलम बी में असमान प्रविष्टियां मतलब कॉलम ए कॉलम बी से मैच नहीं करेगा अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैच दी कॉलम देने का कोई सेंस नहीं बनता है मिलते हुए युग्मों का चिन्ह ये हो जाएगा कार्य का अपना जूल हो जाएगा चांदी का एजी हो जाएगा ठीक है मतलब कॉलम ए से कॉलम बी कनेक्ट कर रहा है प्रविष्टियों के बीच में विसंगतियां यहाँ पर हो सकती है हो सकता है कि एक चीज की दो वैल्यू यहाँ पर अपन को दे रखी हो है ना तो विसंगतियां भी हो सकती है लेकिन असमान चीजें नहीं होगी तो जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाकी सारी चीजें यहां पर ठीक है मैच दी कॉलम को लेकर ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपका एसर्शन और रीजन वाला है सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए जल में छोड़ दिया जाता है तो परासरण के कारण वो फूल जाती है सही बात है है ना और अपन ने देखा है ना कि किशमिश में क्या होता है जब आप पानी में रखेंगे उसको सुबह तक तो वो क्या हो जाएगी फुल जाएगी और अंगूर क्या हो जाता है पिचक जाता है ठीक है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के कारण क्यों कारण क्या दे रहा है पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका जल्दी पाई जाती है दोनों चीजें करेक्ट है और रीजन भी ठीक है तो अपन बोलेंगे ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट तो ऑप्शन नंबर वन अपना करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर है अभावजन्य जो रोग होते हैं डिफिशियंसी जो डिसीज होती है उसको लेकर जब बच्चे को डिफिशियंसी डिसीज की शरीर में इसकी कमी से ये रोग यहाँ पर हो सकता है कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर ठीक होगी कौन सी रणनीति यहाँ पर उपयुक्त रहेगी इसका आंसर करिए क्या डाउट है कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया एक बार मैंशन करिए हाँ पूछा गया है इसके अंदर ये वाला मैच दी कॉलम वाला ओके सेशन के लास्ट में एक बार फिर से अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे उसमें बस अपन को एक नेगेटिव ढूंढना था है ना एक बार फिर से देख लेंगे उसको आंसर करिए 77 का सेशन के लास्ट में क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा और मेंशन करिएगा ये फिर से देखना है ओके इसमें देखो सबसे अगर मेरे को बच्चे को पढ़ाना है अभावजन्य रोगों के बारे में कि देखो विटामिन की कमी से ये रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से तो मैं क्या कर सकती हूँ क्लास में कौन से कंसेप्ट अपना सकती हूँ संतुलित आहार की परिभाषा देखो परिभाषा से बच्चे सिर्फ रटेंगे अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था कर कर उस पर परिचर्चा करना ठीक है डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है जैसे किसी भी व्यक्ति में बच्चे में यूजली देखा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है तो डॉक्टर ने जो जो दवाएं मेडिसिन यहाँ पर लिखी है जो जो भी उसको डाइट चार्ट दिया है उसको लाकर हम लोग बच्चों को दिखाएंगे कि देखो इस बच्चे को ये कमी थी या पर्टिकुलर इस चीज को इस व्यक्ति को ये कमी थी तो डॉक्टर ने उसको ये ये चीजें सजेस्ट करी मतलब ये एक रियल एग्जाम्पल हो गया तो हम लोग ये व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है ये सबसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो एक रियल एग्जाम्पल बच्चों के सामने लेकर आया जाए जैसे हमने वो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वाला देखा था तो सेम चीज यहाँ पर है कि डॉक्टर के द्वारा लिखी गई प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको बच्चों के सामने लाकर दिखाया जाए है हाँ ना तो ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं देखो तो नेगेटिव हो गया पहला डेफिनेशन है और यहाँ पर कैटेगराइज करने की बात हो रही है तो ये तीन दो चीजों को हटा दे तो दो ऑप्शन अपने पास बच रहे हैं एक बच रहा है कि रोगों पर डिस्कशन किया जाए है हाँ ना तो वो भी एक परिचर्चा हो गई अच्छा ऑप्शन है लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन बी है अपने पास चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट को देखिएगा निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है कथन की व्याख्या करता है देखो हम लोग जो जानते हैं कि साइंस के कंसेप्ट हमेशा सेम नहीं रहेंगे जो पहले थे आज वो फैक्ट थोड़े से बदल गए होंगे है ना तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हर चीज के ऊपर संदेह रहता है कि आखिर ये फैक्ट है तो क्यों है है ना हमें जब तक रियालिटी का पता नहीं होगा कि आखिर ये चीज कैसे काम करती है तब तक उस पर संदेह रहता है ठीक है तो इस चीज की व्याख्या कौन सा स्टेटमेंट करेगा ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है सबसे पहला देखो विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्षियों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंका जाता है विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते अब आप खुद ऐसा सोचो कि एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरी पर बिलीव नहीं करेगा तो क्या साइंस में तरक्की हो पाएगी क्या नहीं हो पाएगी ओके और ऑप्शन नंबर डी बोल रहे वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं ऐसा नहीं होता है कि एक साइंटिस्ट ने यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट दे दिया या कोई भी थ्योरी या कोई भी लॉजिक यहाँ पर बता दिया तो मान लो आगे जाकर वो वो चेंज होगा तो वो उसको मना कर देगा कि नहीं ये मेरा फैक्ट है मैं इसको चेंज नहीं करूंगा वो खुद यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना कि फ्लेक्सिबल होते हैं अगर आज ये थ्योरी सही है तो हो भी सकता है कि कल वो उसमें क्या कर दे मॉडिफिकेशन कर दे तो अपन को एक नेगेटिव बताना था कि संदेहवाद की व्याख्या करता है ये कौन सी चीज की व्याख्या जो है यहाँ पर बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा यस क्या क्या आंसर आए इसके डी आंसर है ए आंसर है ओके okay. और क्या आंसर है यहाँ पर इसके विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है ये किस चीज को इंडिकेट करता है देखो ये तो ये बोल रहा है विषयनिष्ठ आनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक यहाँ पर होता है इंडक्टिव इन नेचर होता है तो ये तो अपना एक वो कंसेप्ट हो जाएगा वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं और अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं तो क्या पॉसिबल यहाँ पर माना जा सकता है कि कौन सी चीज यहाँ पर जो है ट्रस्टवर्दी हो सकती है जिस पर हम लोग ये बोलें कि संदेहवाद को बढ़ावा देगा तो वैज्ञानिक जो है या विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है मतलब जैसे जैसे नई नई चीज़ें इन्वेंट होती जाएगी डेवलपमेंट यहाँ पर होते जाएंगे पुराने वाले कंसेप्ट में क्या होता जाएगा परिवर्तन होता जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा ठीक है हाँ प्रॉबेबिलिटी बी वाले की है कि बी वाला यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट रहेगा सी वाला में तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक साइंटिस्ट कभी भी दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरी पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो चीज तो एक नेगेटिव सेंस में जा रही है दैट्स हम लोग सी को नहीं कर रहे हैं ओके okay, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन सेवनटी हाँ सेवेंटी नाइन को देखिएगा आंसर करिएगा कौन सा कथन यहां पर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन गुड इवनिंग यस सेशन को जरूर से लाइक like कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो क्षेत्रीज मेष टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है मतलब एक टेबल यहाँ पर है हमारे सामने इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है 500 ग्राम का आधा किलो का उस पर लगने वाले बल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है ऊपर की दिशा में पाँच न्यूटन का असंतुलित बल कार्य कर रहा है संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है और ऊपर की दिशा में पाँच न्यूटन का एक असंतुलित बल कार्य कर रहा है ठीक है एक डाउनवर्ड के लिए दे रखा है एक अपवर्ड के लिए दे रखा है चलो करो इसका आंसर करो अपन को क्या बताना है कौन सा कथन सही है जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है लग रहा है कि न्यूमेरिकल होगा बट आप खुद सोचो कि एक कोई भी टेबल है हमारे सामने जैसे यही एक टेबल है है ना आप टेबल पर बैठकर पढ़ रहे हैं इसके ऊपर आपने एक बुक रखी हुई है ठीक है तो ये बुक अभी अपनी संतुलित अवस्था में पड़ी हुई है है ना कैसे पड़ी हुई है अः न्यूटन की गति का तृतीय नियम यदि आप देखो तो ये बुक क्या कर रही है इस पर फोर्स लगा रही पृथ्वी के ऊपर मेज जो है जस्ट एक बोल सकते हैं ना मीडिएटर का यहाँ पर कार्य कर रही है कि वो दोनों के बीच में एक माध्यम का कार्य यहाँ पर कर रही है बुक क्या कर रही है पृथ्वी के ऊपर फोर्स लगा रही है और पृथ्वी भी क्या कर रही है अपोजिट साइड से बुक के ऊपर फोर्स लगा रही है तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर रखा है बैलेंस करके यहाँ पर रखा हुआ है संतुलित अवस्था में यहाँ पर रखा हुआ है तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि संतुलित बलों का एक युग्म यहाँ पर कार्य कर रहा है ठीक है अगर असंतुलित होता तो मूवेबल होती या तो बुक जमीन पर गिर जाती या कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती कि वो बैलेंस नहीं हो पाती दैट मीन्स की अगर कोई वस्तु जो है फिक्स स्टेज में पड़ी हुई है दैट मीन्स उस पर एक बैलेंस फोर्स यहाँ पर लग रहा है जैसे हम मैं बोलूंगी कि मैं इस दीवार को थोड़ा सा धक्का दे रही हूँ मैं धक्का नहीं दे सकती मतलब वही चीज हो गई कि वो भी स्टैटिक पोजिशन में है दैट मीन्स मैं दीवार के ऊपर एक संतुलित बल यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रही हूँ ठीक है क्लियर है यहाँ तक चलिए आगे बात करते हैं रीजन देखना चाहे तो आप देख सकते हैं जब पुस्तक को मेज के ऊपर या एक बॉक्स को मेज के ऊपर रखा जाता है तो पुस्तक पृथ्वी को आकर्षित कर रही है ये एक प्रकार की क्रिया शक्ति है जबकि पृथ्वी पुस्तक को आकर्षित करती है यह एक प्रकार का उसका प्रतिक्रिया बल हो गया मतलब एक्शन रिएक्शन वाली प्रोसेस यहाँ पर हो जाती है मतलब एक तरीके से बैलेंस फोर्स यहाँ पर कार्य करेगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हाँ, इसमें डायरेक्टली हम लोग वो नहीं बोल सकते इनर्शिया वाला नहीं बोल सकते तृतीय नियम हम लोग यहाँ पर बोलेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और वाई के सिद्धांत पर ये आधारित है अब इस क्वेश्चन को भी कई तरीके से पूछा जा सकता है कि एक्स में कौन सा लेंस लगा है कौन सा दर्पण लगा है वाई में कोई लेंस लगा है या दर्पण लगा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है सी आंसर यहाँ पर आ रहा है पेरिस्कोप और रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पर ये कार्य करेगा कोई बता सकता है पेरिस्कोप में कौन सा लेंस या मिरर कार्य करता है देखो आंसर तो बिल्कुल सही है कि एक्स जो है परिदर्शी है पेरिस्कोप है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है लेकिन कैसे ये कार्य करता है ये अपन जान लेते हैं तो एक्स में यानी कि पेरिस्कोप में लगे हुए रहते हैं अवतल लेंस ठीक है और जो परावर्तन है वो यहां पर जो वाई है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है यानी कि ये उत्तल दर्पण का कंसेप्ट यहाँ पर प्रयोग करेगा कैसे वो आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा ये कुछ पेरिस्कोप का कंसेप्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे व्यक्ति यहाँ पर है और यहाँ पर स्थित चीजों को वो देखना चाहता है यहाँ पर कोई चीज है कोई वस्तु रखी है कोई दूर स्थित चीज को ये देखना चाह रहा है तो यहाँ पर लगेगा अपना पेरिस्कोप वाला कंसेप्ट कैसे पेरिस्कोप से यहाँ मान लो कोई एक वस्तु कोई एक बॉक्स रखा गया है व्यक्ति इस बॉक्स को देखने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो यहां से जो है इससे जाने वाली जो किरणें हैं वो यहां पर जाएगी ठीक है यहां पर क्या लगा हुआ है मिरर लगा हुआ है तो 45 डिग्री के एंगल से ये किरणें मुड़कर यहां पर आ जाएगी यहां पर फिर एक मिरर लगा हुआ है परावर्तन होगा उन किरणों का क्या होगा परावर्तन होगा और ये क्या करेगी आंखों तक पहुंच जाएगी मतलब आप सिंपल सा कंसेप्ट देखें तो यहां से जो आ रही है यहां पर मिरर लगा हुआ है यहां पर किरणें आई और इस मिरर को इस तरीके से सेट किया हुआ है फोर्टी डिग्री के एंगल पर तो सारी किरणें परावर्तित होकर जो किरणें इस दर्पण पर पड़ रही है वो परावर्तित होकर इस वाले दर्पण तक पहुंच जाएगी 45 डिग्री के एंगल पर इसको रखा हुआ है तो वापस से वो कहां तक पहुंच जाएगा हमारी आंखों तक पहुंच जाएगा तो ये रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप का कंसेप्ट होता है ठीक है तो जो परिदर्शी है है ना पेरिस्कोप जो है वो इसी कंसेप्ट कार्य करता है ओके 45 डिग्री के एंगल पर इसमें मिरर जो होते हैं उनको सेट करके रखा हुआ रहता है ताकि प्रकाश की किरणें जैसे ही उस मिरर पर पड़े वो फिर से परावर्तित होकर दूसरे मिरर तक पहुंच जाए और तब तक ये होता रहेगा जब तक कि मनुष्य की आंखों में वो वाली इमेज नहीं बन जाती ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक्स और वाई गाढ़े द्रव है गाढ़े काले द्रव है जिनका प्रयोग सड़क को पक्का करने के लिए किया जाता है एक्स पेट्रोलियम से बना है और वाई जो है कोयले से बना है उन दोनों का नाम आपको बताना है ठीक है ये क्लास सिक्स का बेसिक कंसेप्ट है हाँ बिल्कुल यूज करते हैं पंडुबियों में हाँ अब ये भी ध्यान रखना की कि किसमें कौन सा प्रयोग हो रहा है किसमें कॉनकेव यूज हो रहा है और किसमें अपना कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है ठीक है ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आंसर करो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्स पेट्रोलियम से बना है पेट्रोलियम से कौन बनेगा बी टू मेन यहाँ पर होगा और दूसरा वाई है ना रोड निर्माण में इसका प्रयोग किया जाएगा किसका प्रयोग किया जाएगा कोलतार का क्या आंसर यहाँ पर होगा आधा तो आपको हिंट मिल ही गया है ठीक है अपन ने पढ़ा है ना कोयला और पेट्रोलियम के जो सब प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में बी टू में जो है पेट्रोलियम का एक उत्पाद होता है जो कि पेट्रोलियम से प्राप्त होता है जिसका निर्माण सड़क निर्माण में किया जाता है जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है और कोलता जो है कोयला से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जिसका निर्माण भी जिसका उपयोग भी सड़क निर्माण में यहाँ पर किया जाता है ठीक है ए वाला आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा अब देख लेते हैं सी वाला आंसर क्यों आया था बी टू मेन कोयले का प्रकार नहीं है बी टू मीनस मैंने आपको एक फाइव मिनट सेशन में ये चीज़ पहले से बता रखी है कि बी टू मैन और बी टू मीनस दो अलग अलग चीज है बी टू मेन जो है अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और बी टू मीनस जो है कोयले का एक टाइप है ठीक है दोनों चीजें आप ध्यान रखना ये हमेशा कंफ्यूज करती है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एटी टू निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा कक्षा के प्रदर्शन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मतलब टीचर को क्लास में क्या बिहेव नहीं करना चाहिए क्या चीज उसके लिए डिजायरेबल नहीं है सबसे पहले कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना समय पूर्व ही उन चीजों पर बल देना जो विद्यार्थी के लिए आवश्यक है प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना है ना मतलब बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाना सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के थ्रू सिखाना परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना हमसे पूछा है कि कौन सी चीज़ डिज़ायरेबल नहीं है तो समय से पूर्व बच्चों को ज्ञान दे देना जो चीज़ बच्चों के लिए अभी रिलीवेंट नहीं है वो चीज़ उसको दे देना ये चीज़ थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं कि टीचर के लिए डिज़ायरेबल नहीं है बाकी सारी चीज़ें सही है तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 को देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है क्लियर है चलो कोई बात नहीं बी टू माइनस और बी टू मेन में ध्यान रखना बस हाँ नेगेटिव पूछा था क्वेश्चन नंबर 83 में सही कथन पूछा है ये सिंपल सा क्वेश्चन है अपना फर्टिलाइजर को लेकर और मैन्योर खाद को लेकर खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं मतलब जहां पर मैं अपन गाय का जो गोबर खाद है वो चीजें यहाँ पर डाल रही हूँ ठीक है और दूसरी जगह मैं उर्वरक का प्रयोग कर रही हूँ जिसमें जितने भी अपने फर्टिलाइजर्स हो जाएंगे एनपीके वगैरह का प्रयोग कर रही हूँ उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है अपन को पूछा है सही क्या है तो मृदा में मित्र जीवाणु जो केचुआ होता है जिसको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है वो खाद की वजह से मिलेगा दैट्स वाई ये गलत हो गया ये भी किसकी वजह से होगा खाद की वजह से होगा दक्षा ये भी गलत हो गया ये भी किसके लिए होगा खाद के लिए होगा अपने डिफरेंस देखा है क्लास सेवन एनसीईआरटी में फर्टिलाइजर और मैन्योर खाद और उर्वरक के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो तीन स्टेटमेंट तो गलत हो गए केवल ये चीज सही है कि खाद की अपेक्षा उर्वरक जो है पोषक तत्वों में अधिक समृद्ध होते हैं केवल उर्वरक का फर्टिलाइजर का यही फायदा है बाकी सब इसके नुकसान है क्योंकि मृदा की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे क्या होती जाती है अगर ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी लेकिन जैसे कि मेरे पौधों में पोटेशियम की कमी हो गई तो मैंने जो उर्वरक डाला उसमें पोटेशियम था तो उसको पोटेशियम की प्राप्ति हो जाएगी लेकिन खाद से क्या होगा बहुत कम मात्रा में वो उसको मिलेगा है ना तो जो मुझे एक्चुअल में चाहिए उसकी प्राप्ति अगर मुझे करनी है अपनी मिट्टी में अपने खेत में तो मुझे उर्वरक का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा मुझे फर्टिलाइजर्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे ठीक है क्लियर है ये वाला क्वेश्चन तो कोई डाउट नहीं है इसमें अगला क्वेश्चन देखिए ये भी अपना बेसिक सा ही क्वेश्चन है क्लास एट की बुक का ही क्वेश्चन है अलैंगिक जनन जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं असेक्सुअल ट्रांसमिशन जो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस में किस प्रकार का होता है रोज में किस प्रकार का होता है यीस्ट में फर्न में स्पाइरोग्राम में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है ये आपको बताना है देखो अगर आप गुलाब का पौधा लगाना चाहते हैं है ना तो कैसे लगाओगे कौन सी मेथड आप इसमें प्रयोग करोगे हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं ऑप्शन यहां पर है है ना ये ऑप्शन यहाँ बीच में लिखे हुए हैं ठीक है थीके? तो हिंदी इंग्लिश वाला तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों चीजें साथ के साथ है किसी भी एक चीज का पता है तो कोड को फाइंड आउट कर लो देखो रोज में रोज सभी के घर में ऑलमोस्ट आपने देखा ही ये लगते हुए कैसे लगाया जाता है बर्डिंग के थ्रू स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू फ्रेगमेंटेशन के थ्रू पॉलिनेशन के थ्रू या वेजिटेटिव प्रपोगिएशन के थ्रू उसको लगाया जाता है आपने देखा है कि गुलाब का कोई भी एक हुआ है ना जैसे कि गुलाब की आपने कोई भी एक डाली को यहाँ पर तोड़ लिया उसके तने को यहाँ पर तोड़ लिया आप तिरछा यहाँ पर काटते हैं और उसको दूसरे में लगा देते हैं तो वो भी वहां से ग्रो कर जाता है तो इसको बोला जाता है कायिक प्रवर्धन यानी कि बीज के अलावा उस पौधे के दूसरे किसी हिस्से से नए पौधे को जन्म देना नए पौधे को उगाना कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रपोगेशन यहाँ पर कहलाता है तो रोज में वेजिटेटिव प्रपोगेशन यहाँ पर हो जाएगा मतलब मेरा ए का कोड क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा ठीक ए का कोड पांच यहाँ पर लिखा हुआ और यहां पर लिखा हुआ है मतलब ए या सी में से एक आंसर करेक्ट होगा और आंसर अभी भी ए और सी में से ही आ रहा है चेक कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं फर्न आपको पता है फर्न क्या होता है आपने एक देखा होगा ऐसा कुछ होता है एक पौधा है ना ऐसा गोल गोल सा वो रहता है यहाँ पर दिखाती थी हूँ आपको ठीक है ये गोल सा रहता है और इसके ऊपर एक बहुत ही बारीक सी रेशेदार धागे नुमा संरचना होती है जिसको आप फूक मारकर फूक मारते हैं तो वो हवा में उड़ जाते हैं उसके सारे बीज जो है हवा में उड़कर क्या हो जाते हैं स्प्रेड हो जाते हैं बिखर जाते हैं तो जो फर्न होता है उसमें क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन होता है देखा है ना आपने इस प्रकार का पौधा यूजअली जैसे ही उसके ऊपर तेज हवा भी चलती है तो उसके सारे बीज जो है हवा में बिखर जाते हैं मतलब वो फूल जो है पूरे तरीके से टूट जाता है तो फर्न में जो होता है स्पोर फॉर्मेशन होता है या फिर अगर आपने स्पाइरोग्रा देखा है तो स्पाइरोग्रा कुछ इस प्रकार की संरचना

फर्न में स्पोर फॉर्मेशन होता है और स्पाइरोग्राम में जो है फ्रेगमेंटेशन मतलब वो तीन टुकड़ों में टूटता है और ऐसे पूरी अपनी चेन बनाता है आपको कुछ और नाम भी यहाँ पर दिखा देते हैं ये एक्स्ट्रा नोट्स है जिनको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा बडिंग जो होती है ब्रायोफिलम में होती है ब्रायोफिलम आपने देखा है, आपके घर में भी लगा हुआ होगा या अपने आसपास देखा होगा हमारे इधर नॉर्मल है पत्थर चट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं जिसकी पत्तियों से ही नए पौधों का यहाँ पर जन्म हो जाता है ठीक है तो बडिंग अकर्स इन ब्रायोफिलम एंड ये आप देख पा रहे हैं जैसे ये है इसमें यहाँ पर एक नई कली जन्म लेगी वो धीरे धीरे इससे अलग होगी और नए यिस्ट को यहाँ पर जन्म दे देगी तो में और स्पाइरो ब्रायोफिलम में क्या होता है बडिंग की प्रोसेस होती है ठीक है और अगर हम लोग यहाँ पर यस yes, विजिबल है क्या ये चीज एक बार और देख लो फ्रेगमेंटेशन जो होता है स्पाइरोग्रा और फ्लैटफॉर्म जो होते हैं ये कीड़ा अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो ये कुछ इस प्रकार का है ठीक है अब ये क्या होगा ये जो है अगर आप देख पा रहे हैं तो ये तीन टुकड़ों में टूटेगा ठीक है इसका मुंह जो है ये यहाँ पर है ठीक है ये भी क्या कर रहा है तीन टुकड़ों में टूट गया और हर एक के अंदर नई जान यहाँ पर आ चुकी है ये तीन जीव में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है जिसे आप देख पा रहे हैं इसके तीन से चार टुकड़े हो जाएंगे और हर एक टुकड़ा अपने आप में एक नया जीवन होगा ठीक है तो फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना और स्पाइरोग्रा की भी बात करें तो उसमें भी क्या होता है जैसे ये एक है तो एक क्या हुआ दो हिस्सों में टूट गया फिर इसके दो या तीन हिस्से होकर फिर ये नए जीव को जन्म दे देंगे तो इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं तो फ्लैट जो होते हैं और स्पाइरोग्रा जो होता है इन दोनों में क्या होता है फ्रेगमेंटेशन होता है फीजन की जो प्रोसेस होती है वो आप देख सकते हैं प्रोटोजोवा और बैक्टीरिया में फीजन होता है ठीक है जैसे ये एक है तो ये दो में टूटेगा फिर ये दो अलग दो में टूटेगा तो इसको फीजन बोला जाता है ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है गेहूं का कीट गेहूं में गून लगना रस्ट हो जाना सिट्रिक कैंकर वाली भिंडी की पीत शीरा कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा यहाँ पर होती है बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पर होती है तो जो रस्ट ऑफ वीट होता है वो किसकी वजह से होता है बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर ठीक है हाँ रोज़ में हाँ रोज़ में वेजिटेटिव प्रपोगेशन ठीक है ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना 84 वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है 84 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में हाँ मिल जाएगी लिंक भी मिल जाएगी पहले बचे हुए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं कौन सी व्याधि जीवाणु के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पर कंप्लीट होगी ऑप्शन ये रहे आपके है ना ये वाला ए और बी केवल बी बी एंड सी या केवल सी क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 85 बी 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 वाला आंसर आ रहा है है मतलब केवल ओके okay, बिल्कुल सही है, जो सिट्रस कैंकर होता है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है ठीक है ऑप्शन नंबर बी केवल सिट्रस कैंकर जो है है ये होता है अपना बैक्टीरिया के कारण ओके okay? चलिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लीजिए रेजिस्टेंस वाला ये क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक वन बाय थ्री ओम के तीन प्रतिरोधों को जोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है कैसे सॉल्व करोगे इसको बी uh, आंसर इसका आंसर बी है एट बाय नाइन देखो इसने क्या बोला है मैग्जिम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस निकालना है मैक्सिमम कब आएगा जब हम इन तीनों को क्या करेंगे सीरीज में जोड़ेंगे तीन रेजिस्टेंस को तीन रेजिस्टेंस में हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वन बाय थ्री है ठीक है तो इन तीनों को जोड़ लीजिए है ना जब सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना, वन बाय थ्री वन बाय थ्री कितना हो जाएगा थ्री बाय थ्री यानी कि वन ओम हो गया और पैरेलल में जोड़ेंगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा ठीक है मिनिमम रेजिस्टेंस यानी कि इसको मान लेते हैं वन बाय थ्री को रिवर्स करोगे तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा कितना हो जाएगा वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय नाइन यहां पर हो जाएगा वन बाय आर इज इक्वल टू नाइन ठीक है अब अपन को यहाँ से आर डिश की वैल्यू देखनी है ये तो अभी वन बाय आर आया आरडेश को ऊपर लेकर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा वन बाय नाइन वन बाय नाइन ओम अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है वन बाय नाइन में से वन गए तो कितना बचेगा एट बाय नाइन बचेगा तो ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का uh, डिफरेंस यानी कि सीरीज और पैरल के बीच का डिफरेंस अपन को निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा अपना एट बाय नाइन ओम हो जाएगा ठीक है इसमें कोई डाउट तो नहीं है डायरेक्टली आप वन और वन बाय नाइन आंसर नहीं कर सकते इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है सीरीज और पैरेलल का अगला क्वेश्चन नंबर एटी सेवन यहां पर देखिएगा हाँ अभी कर देंगे चलो क्वेश्चन नंबर एटी सेवन को देखो इसका आंसर क्या होगा एक शिक्षिका अपने कक्षा छे के विद्यार्थियों में शरीर की गति वाला पाठ पढ़ाना चाहती है ना उसने तीन एग्जाम्पल दिए जल यात्रा करती हुई नाव तैरती हुई मछली और एक उड़ता हुआ जहा हवाई जहाज अब टीचर बच्चों को इसके बाद इस प्रोसेस के बाद प्रतिबिंब की आकृति और गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करती है जैसे कि जल यात्रा करती हुई जो नाव है है ना इसका वो एक इमेज बनाकर दिखा रही है फिर इसकी गति बता रही है कि किसकी गति किस प्रकार की होगी तो टीचर एक्चुअल में बच्चों को कौन से कंसेप्ट सिखा रही है क्लासीफाई करना ऑब्जर्व करना इंडक्टिव रीजनिंग या फिर मेजरिंग सिखा रही है इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर देखो बच्चों को एक तो ऑब्जर्वेशन करना सिखाया जा रहा है अवलोकन करना सिखाया जा रहा है और एक आगमनात्मक तर्कशीलता की बात यहाँ पर करी जा रही है तो आंसर अपना क्या हो जाएगा बी एंड सी ठीक है कौन से दो करेक्ट होंगे अवलोकन करेक्ट होगा और आगमनात्मक तर्कशीलता यहाँ पर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर एटी को देखिएगा कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है हेल्प करी है किस चीज के अलावा बीज प्रकीर्णन मतलब बीजों का जो बिखराव यहाँ पर होता है बीज जो डिस्पर्स यहाँ पर हो जाते हैं जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हवा के थ्रू पानी के थ्रू है ना अलग अलग माध्यम से जो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं है ना तो किस चीज का नुकसान होता है सिवाय बोला है मतलब एक चीज नेगेटिव होगी बाकी तीन चीजें पॉजिटिव होगी कौन सी चीज यहाँ पर नेगेटिव रहेगी यहां तक के सारे क्वेश्चन क्लियर है अभी तक के जितने भी किए बस एक मैच दी कॉलम और देखना है है ना बाकी सारे क्लियर है देखो एक चीज सभी चीजों में लाभ पहुंचता है कि जैसे कि हम लोग देखें कि निम्नलिखित में से सभी में बीच प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है किस चीज को छोड़कर ओवरक्राउडिंग के थ्रू है ना नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के लिए जैसे बीच पानी में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए तो हर जगह जो है इस प्रकार के पौधे जन्म ले लेंगे मान लो नदी के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गए तो ये तो फायदा हो गया कि उनकी प्रजाति ज्यादा से ज्यादा फैल गई नई किस्म यहाँ पर उत्पन्न हो गई जिसे दूसरे शहर में या दूसरी जगह वो चले गए बीज तो वहां के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका जो है थोड़ा बहुत चेंजेस उन पौधों में खाई दिया उनकी पत्तियां फूलों का कलर चेंज हो गया है ना सूर्य के प्रकाश जल एवं खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा यहाँ पर टल गई मान लो वो बीज एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो जहां पर एक ही जगह पांच पौधे उग रहे थे वहां पर केवल एक ही उगेगा और उसी को सारी सनलाइट हवा पानी मिलेगा ओवरक्राउडिंग का मतलब ये होता है कि एक ही जगह बहुत सारे पौधों का जन्म ले लेना हम लोग बोलते हैं ना भीड़ इकट्ठा हो गई तो पौधों में भी क्या होगा कि एक ही क्षेत्र में या एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर कई सारे पौधे जन्म ले चुके तो ओवर क्राउडिंग हो गई तो ऐसे में इनके पानी हवा जल खनिज सबकी क्या पड़ जाएगी कमी पड़ जाएगी सब एक दूसरे करने के लिए जो है यहाँ पर फाइट करेंगे जो सर्वाइव कर लेगा जिसको ज्यादा जल पानी खनिज मिलेगा वो जिंदा रह जाएगा बाकी सारे खत्म हो जाएंगे तो अपन को नेगेटिव बोलना था तो अति संकुलता या ओवर के अलावा हर चीज में इनको क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा जब क्या होगा सीड डिस्पोर्स डिस्पर्जल होगा सीड डिस्पर्जल मतलब बीज का प्रकीर्णन होगा बीजों का बिखराव होगा बीज हवा पानी जानवरों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाएंगे ओके अगला क्वेश्चन देखिएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये भी अपना एक बोल सकते हैं पैडागोजिकल क्वेश्चन है कि न्यूटन का जो सिद्धांत है है ना उसको वैलिड माना गया है हर जगह इसके पीछे का कारण क्या है यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है बिल्कुल सही बात है कि तीन ही कंसेप्ट है और उसके थ्रू आप किसी भी लॉजिक किसी भी फॉर्मूला को देखें वो वैलिड माना जाएगा तो कम धारणा मतलब फ्यूअर और अजम्पन्स के थ्रू कई सारी चीज़ों के जो लॉजिक्स हैं वो किस पर आधारित है अपने न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है ठीक है ग्रेविटेशन पर आधारित है तो इसको यहाँ पर सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटी देखिएगा साइंस का ही क्वेश्चन है एस वन कथन क्या है रेयोन एक संश्लेषित तंतु है सिंथेटिक फाइबर है और S2 क्या बोल रहा है रेयोन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया गया तो रेयोन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये अपन को बताना है इसका आंसर क्या होगा सिंपल सा ही क्वेश्चन है रेयन क्या है ये अपन को अगर पता है तो दोनों ही चीजें अपन को ध्यान होगी रेयोन एक संश्लेषित तंतु है बिल्कुल सही बात है क्योंकि मानव के द्वारा इसको बनाया जाता है लेकिन ये प्राप्त किससे होता है काष्ट लुग्दी से ये प्राप्त होता है ठीक है तो रेयन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के तैयार किया जाता है ये चीज गलत है बनाता मनुष्य है लेकिन प्राप्त कहां से होता है प्राकृतिक चीजों से तो पहली चीज तो सही है लेकिन ये चीज गलत है क्योंकि ये मिलता किससे प्राकृतिक चीजों से मिलता है काष्ट से लुग्दी से ये मिलता है ठीक है तो स्टेटमेंट वन सही है और एस टू यहां पर गलत है ओके क्लियर है यहाँ तक इसका आंसर बी कैसे हुआ तो ये थर्टी क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए प्लस एक होमवर्क क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है ओके okay? क्लियर है यहाँ तक यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है एक बार क्वेश्चन नंबर मेंशन करिए वो मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन कौन सा था ये वाला है ना ठीक है और अब जो टू फाइव डबल जीरो क्वेश्चन का सीरीज का लिंक पूछ रहे थे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए फोर्थ नंबर पर वो लिंक रखा हुआ है ना या एक आध नंबर आगे पीछे होगा एक बार से आप चेक कर सकते हैं देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ये एक सी का जो अभी जनवरी में पेपर हुआ था ये अपन ने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है ठीक है ऐसे ही आप टारगेट करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं चाहे वो यूपी टेट कोई भी टेट हो उसको आप जरूर से कंप्लीट कर लें किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि सब पूछते क्या है सब पूछते हैं है तो जितनी ज्यादा आप इन पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एनसीईआरटी आपका स्ट्रांग होता जाएगा ओके और साथ के साथ मैंने मैंशन भी कर दिए थे कि कौन से क्वेश्चन कौन सी बुक से यहाँ पर पूछे गए हैं ठीक है देखो इसमें पूछने का ये इसके पूछने का ये रीजन था कि जब भी बच्चों को मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ये जो क्वेश्चन होते हैं या जो मैच दी कॉलम होता है कॉलम वन कॉलम टू आपस में कनेक्ट होता है इसने पूछा है कि कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है ठीक है यही डाउट था इसमें कि कौन सा कारण इसमें नहीं दिया जा सकता है कॉलम वन में मिलती जुलती चीजें कॉलम बी में है तो ऑप्शन नंबर वन भी सेम बोल रहा है ठीक है ऑप्शन नंबर सी भी बोल रहा है कि वन को देखकर दो का अंदाजा लगाया जा सकता है जिसे कोई भी बोल रहा है बल्कि यूनिट क्या है तो दिमाग में क्या आएगा न्यूटन आएगा ठीक है बैटरी का सिंबल क्या है तो दिमाग में वो सिंबल आ जाएगा कि चार ऐसे छोटे छोटे डंडे और पास में बड़ा वाला रहेगा तो चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड रहेगी प्रविष्टियों में विसंगतियां यहां पर हो सकती है ये बात भी ठीक है असमान प्रविष्टियां मतलब की आप इधर बल की यूनिट पूछ रहे हो और इधर आपने कुछ और ही चीज यहाँ पर दे दी है ना तो चीजें क्या होनी चाहिए आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए ठीक है क्लियर है यहाँ तक और कोई डाउट साइंस की थ्योरी कैसे पढ़ेंगे साइंस की थ्योरी अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है आप एनसीआरटी सिक्स से स्टार्ट करिए सेल्फ नोट्स बनाइए वहां से आप कर सकते हैं बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर हमने जो अपने स्पेसिफिक सेशन है केमिस्ट्री फिजिक्स बायो उसमें भी डाल रखी है और अगर बेसिक से और अच्छे से डिटेल में एक एक चैप्टर वाइज यूनिट वाइज पढ़ना है तो उसके लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं आप उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ऐप में कोई डाउट है कोर्स कैसे देखना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा अभी ठीक है वहां से रिप्लाई आपको आ जाएगा चलिए तो आज के सेशन को ओवर करते हैं मिलते हैं हम लोग अपनी कल सुबह छः बजे वाली क्लास में ठीक है उसे भी जरूर से ज्वाइन करिएगा वहाँ पर जैसे हमने ये पच्चीस सौ क्वेश्चन की सीरीज सक्सेसफुली अभी कंप्लीट करी है ऐसे ही हम लोग सेम फीमेल सुपरवाइजर के लिए भी कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं ओके थैंक यू एवरी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन